गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे पर आए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद विगत 50 वर्षों से अधिक समय से हिंदू हितों के लिए कार्य कर रही है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए विहिप कार्यकर्ता प्रतिदिन कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि परिषद के कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। विहिप छुआछूत को जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्पित है। हिंदू समाज को उसका खोया गौरव वापस दिलाने के लिए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण अब अति आवश्यक हो गया है। परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि अयोध्या हिंदू समाज का तीर्थ स्थल है, राम मंदिर वहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों से हिंदू समाज मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है, अब समय नजदीक है। हमें केंद्र व प्रदेश सरकार पर भरोसा है। कानून का हम सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के लिए उन्होंने केंद्र से अलग से कैबिनेट के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा, तो परिचय हम एक बार करा देते हैं। आपके बगल में माननीय शिवजी सिंह अपने विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के आप उपाध्यक्ष हैं। प्रदीप नाम है हमारा। हमने अपने संगठन में इसे गोरखपुर प्रांत कहा है। हम इसको अपने विश्व हिंदू परिषद की कॉन्स्टिट्यूशनल मीट मानते हैं। प्रांत के हर जिलों के कार्यकर्ता साल भर में दो बार सामूहिक बैठने ही चाहिए। ऐसी बैठकें भारतवर्ष में जुलाई के महीने में 44 स्थानों पर हो रही है। अरुणाचल में भी हो रही है, त्रिपुरा में भी हो रही है, मणिपुर में भी बैठक हो रही है, केरल में भी। और सामान्यतया ये बैठकें शनिवार रविवार को होती हैं। आगामी 6 महीने के कार्यक्रमों पर कार्यकर्ता विचार करते हैं। दिसंबर तक क्या करना, अखिल भारतीय स्तर पर भी कार्यकर्ता जून के महीने में इकट्ठे आते हैं। कार्यकर्ता कुछ देश के बारे में विचार करते हैं, उसकी जानकारी दी जाती है। ऐसी ये बैठक का हमेशा चलने वाला कार्य है। इसके बाद प्रत्येक जिले में इसी प्रकार की बैठक होंगी। जिले के 25-50 कार्यकर्ता इकट्ठे आएंगे। इतना काम पूरा होने के बाद दो दो तीन तीन जिलों के लोग इकट्ठे आएंगे। ये निरंतर हम अपने कार्यकर्ताओं को संपर्क में रखते हैं, उनको सक्रिय बनाए रखते हैं। यही हमारे कार्य की शक्ति है, मजबूती है। कार्यकर्ताओं को लगातार मिलते रहना, सामूहिक चर्चा करना, हमने सरकारों से कहा है कि गाय के लिए गोवंश मंत्रालय बनाओ। भारत सरकार में पशुओं के लिए मंत्रालय है। अब पशुओं में कुत्ते भी आते हैं, बिल्ली भी आती है, भेड़ भी आते हैं, बकरी भी आती है, सब आते हैं। किसी की रुचि कुत्तों में रहती है तो कुत्तों की ज़्यादा चिंता होती है, गाय के प्रति किसी की रुचि नहीं। हिंदुस्तान की रुचि गाय में है। हिंदुस्तान में गाय
राय के लिए लोगों ने जीवन जिया है, जीवन त्यागा है। गाय का मतलब भारत की नस्ल की गाय, विदेशी नस्ल नहीं। और इसी कारण स्वतंत्र भारत में 70 साल में गाय पर कोई अनुसंधान कभी नहीं हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं। गाय 12 महीने मूत्र देती है, 12 महीने गोबर देती है। जब दूध नहीं देती तो भी मूत्र गोबर देती है। इसलिए भारतीय नस्ल की गायों पर चिंतन करने के लिए इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री चाहिए। तब 10-20 साल में भारतीय गाय पर कुछ विचार होगा। ये प्रस्ताव ऑल इंडिया मीटिंग में आया, वो यहाँ सबके सामने रखा गया। बर्मा म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या नाम के मुसलमान, उनका स्वभाव बर्बर है, क्रूर है। हम उन्हें मानवता का शत्रु मानते हैं। वो खुद मनुष्य हैं, लेकिन दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो मनुष्यता की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। बर्बरता, क्रूरता, उनके प्रति समाज सजग रहे, सरकार सजग रहे, सारे आसपास के देशों के लोग भारत में घुसते हैं। मानो भारत एक धर्मशाला बन गया है। कठिनाई ये है कि इन बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में कोई स्पष्ट कानून बनाने की बात किसी के दिमाग में आज तक नहीं आई। और हिंदुस्तान के हम सब आप लोगों की कमजोरियां का फायदा उठाते हैं, और इन विदेशी लोगों को यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी राशन कार्ड बनते थे, आज आधार कार्ड बनते हैं, इलेक्शन लिस्ट में नाम आता है, मालूम नहीं कैसे आता है, लेकिन सब आ जाता है। हमारे आपके आने में कठिनाई है, उनको कोई कठिनाई नहीं होती। चूंकि कोई कानून ही नहीं बना आज तक, इसलिए इनको निकालते समय सब घबराते हैं। विदेशियों को निकालो, इसके लिए आसाम में आंदोलन चला, और आंदोलन चलाने वाले जब सत्ता में आ गए तो एक भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि कानून ही नहीं था कोई। इसलिए इन रोहिंग्या, इनके प्रति उदार बनने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की आवश्यकता है। कानून बनाओ, ये दो बात अखिल भारतीय टीम के प्रस्ताव की मैंने यहाँ चर्चा की है। सजग इसलिए रहना, सस्ती मजदूरी, इसलिए हम उनको घर में बुलाने लगते हैं। अलर्ट रहो, अपने और पराए का, देश के मित्र और मानवता के विरोधियों का अंतर करो।
हिंदू परिषद में काम करने वाली सभी महिलाएं परिवारों में संपर्क करेंगी, विश्व हिंदू परिषद का महिलाओं का काम महिलाओं को समझाएंगी। दिन का अभियान, यहां महिलाओं ने आपस में बातचीत की है। हमारा घर अच्छा बने, संस्कारित बालक हों, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार हमारे घर में महापुरुषों के चित्र टंगे, निरर्थक चित्र न टांगे। आधुनिक ड्राइंग के नाम पर जो घरों में रहता है इससे बचें, इसलिए घरों में माताएं संपर्क करेंगी। ऐसा है वहाँ एक भगवान अमरनाथ है, बूढ़ा अमरनाथ, इस प्रांत के युवकों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी विचार किया है, वो भी अच्छी संख्या में अगस्त के महीने में जाए। अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। 14 अगस्त 1947 दुनिया के मानचित्र पर पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं, बांग्लादेश भी नहीं। हम 14 अगस्त 1947 को हर पीढ़ी में याद रखना चाहते हैं। हर एक पीढ़ी को याद रहे कि 14 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे हिंदुस्तान की दो भुजाएं काट दी गई। इन्हें कटे हुए हिस्सों को वापस लाना है। हिंदुस्तान का विभाजन कृत्रिम है, यह हमें हर पीढ़ी को याद दिलाना है। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को 14 अगस्त अखंड भारत दिवस के रूप में मनाएं। हम एक सजग समाज के हिस्सा हैं। अब हिंदुस्तान को रेड क्रॉस की क्या जरूरत है? हमारे देश का नौजवान अस्पतालों में अनजान लोगों के लिए भी आवश्यकता पड़ने पर खून देने के लिए आगे आए। इसलिए 2 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सामूहिक रक्तदान ऐसे कार्यक्रमों पर यहाँ चर्चा हुई है नवंबर तक की। यही इस बैठक का हेतु है। जो यहाँ चर्चाएं हुई हैं, तत्काल 15 से 20 दिन में हर जिलों में बातें पहुंच जाए। अभी तक तो कुछ नहीं हुई, लेकिन मैं आखिरी सत्र में राम जन्मभूमि के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, अभी बता देता हूँ। कुछ बातों पर हम स्थिर हैं, अटिक हैं। अयोध्या यही है जहां राम ने जन्म लिया, तो यही अयोध्या। और जिस स्थान पर आज भगवान विराजमान है, उसी स्थान पर 1528 के पहले एक मंदिर था।
वो जन्मभूमि मंदिर कहलाता था। में वो तोड़ा गया। मस्जिद बनाने की कोशिश हुई, अयोध्या के हिंदुओं ने कभी भी पूरी मस्जिद बनने नहीं दी। ये स्थान हिंदू समाज का है, वो जन्म स्थान है, ये हमें वापस दे। मंत्रालय है, उस मंत्रालय में गाय रखी है और मैं मंत्री बन गया। मेरी रुचि कुत्ते में और बिल्ली में है, मछली में है, गाय में ही नहीं। लोग तो गोरखपुर के रहने वाले हैं और अयोध्या का गोरखपुर से रिश्ता है। गोरखपुर के लोग, इस क्षेत्र के लोग अयोध्या बहुत जाते हैं। आप में से अगर कोई 1983 के पहले की याद रखते हो, आप भी बताएंगे कि 1983 के पहले इस अवध भोजपुरी क्षेत्र में कोई ये जानता ही नहीं था कि अयोध्या में भगवान के जन्म स्थान पर ताला पड़ा है, वहाँ कभी मंदिर है था और मंदिर फिर बनाना आंदोलन का हेतु रहता है, जनता तक बातों को पहुँचाना। हमने 8 से लेकर 10 साल तक मेहनत करके साधु संतों ने अपने आश्रम छोड़कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया और उसी आंदोलन जन जागरण का परिणाम था आज वो ढांचा गायब हो गया। अब वो ढांचा वापस नहीं आ सकता, ये इस आंदोलन की सफलता है। इसलिए मैंने कहा कि हम जिन बातों पर अडिग हैं दुनिया के प्रत्येक देश को और हिंदुस्तान के प्रत्येक राजनीतिक दल को ये बात समझ रही थी। अब कानून कि ये जो मैंने अभी बोला है ये वहाँ मंदिर ही बनेगा, मुख्यमंत्री की बात से मैं सहमत हूँ। थोड़ी देर रखना ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही रखना है, ज़्यादा नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात से 100% सहमत हूँ और जिनका गुस्सा है वो अपना गुस्सा बनाए रखे। किसका गुस्सा? जिन साधुओं ने उनके सामने गुस्सा प्रकट किया है, मैं उन साधुओं से कहा है अपनी बात जो का त्यों बोलते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है थोड़ा ध्यान रखूँ। मैं योगी जी की बात से 100% अक्षर से सहमत, बहुत शीघ्र वो परिस्थिति आएगी, हम उसी परिस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम फिर योग्य निर्णय ही लेंगे।